हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो गैज कैसे हो आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया बट आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कब तक आते हैं या कितने दिनों में आ जाते हैं बट उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गैज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा कंडीशन कुछ इस प्रकार से था मैंने बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से चलकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट दिल्ली में करवाया था दिल्ली में मैंने डिवाइन कॉस्टमेटिक क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एंड बात करें कॉस्ट की तो इसमें कुल मिलाकर मेरा पचास हजार का खर्चा आया था और पैंतीस सौ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट आई थी देखो भाई होता है क्या कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा कर आते हैं तो हमारे माइंड में तरह तरह की बातें चलती रहती है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा कितने दिनों में आ सकता है या कब तक आएगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिज़ल्ट थ्री स्टेज में आता है प्लांट के रिज़ल्ट की जर्नी में सबसे पहला स्टेज जो होता है वो सेडिंग फेज का ही होता है ये जनरली सबको होता है ये 20 से 25 दिनों में स्टार्ट हो जाता है इसमें होता है क्या कि हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर या जितना भी हेयर जिस एरिया में ग्राफ्ट किया हुआ रहता है वो हेयर गिर जाता है एंड किसी किसी को पूरा हेयर गिर जाता है तो किसी किसी को कुछ ही हेयर गिरता है एंड मेरे वाले केस में आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट हेयर शेड हो गया है बट शेडिंग फेस जो है हमारे लिए एक ऐसा टाइम होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है और आप जानते रहोगे कि हमारा ये शेडिंग फेस चल रहा है बट फिर भी आपके माइंड में तरह तरह के बातें चलती ही रहेगी कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा या नहीं हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग या फिर ऐसे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तेरा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ये सारी बातें देख के और सुन के हम घबरा जाते हैं बट हमें घबराना नहीं है और आगे जो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएगा उसको सेडिंग फेज से गुजरना ही पड़ेगा इसलिए हमें नेगेटिविटी को इग्नोर करना है एंड पॉजिटिव रहना है पॉजिटिव सोचना है कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए सेकेंड स्टेज में आप लोग देख सकते हो कि तीन मंथ बाद हमारा हेयर लाइन बनना स्टार्ट हो गया है आपको छोटा छोटा बेबी हेयर नज़र आ रहा होगा जो कि एक नेचुरल सा हेयर लाइन प्रिपेयर करता है और आपका एक नया लुक उभर के आने लगता है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि थ्री मंथ के कंपेरिजन में फोर मंथ में काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ से एक प्रॉपर लुक मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एंड चार मंथ बाद आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ऑलमोस्ट पूरा हेयर लाइन बन चुका है एंड यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरह से बढ़ जाता है एंड गए आठ मंथ में आपका रिज़ल्ट थर्ड स्टेज में होगा पहले के कंपेरिजन में बहुत फर्क देखने को मिल जाएगा और आपके रिजल्ट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा यह है फाइनल एंड लास्ट स्टेज ये बारह मंथ के बाद आता है बारह मंथ के बाद आपके रिजल्ट में ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा जितना भी ग्रोथ होना होता है वो बारह मंथ तक ही होता है देखो भाई अच्छे से रिज़ल्ट पाने के लिए सबसे पहले तो आपको खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपके बालों को अच्छे से पोषण मिल सके एंड मेडिसिन प्रॉपरली लेनी पड़ेगी और अच्छे से केयर करना पड़ेगा यदि आप अपने हेयर को अच्छे से केयर नहीं करते हो तो आपके रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है एंड आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए